हेलो, मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर म्यूज़िक वोकल, MS कॉलेज बीकानेर। आज की ये क्लास हम सेकेंड ईयर की गर्ल्स के लिए लेकर आए हैं। सेकेंड ईयर की गर्ल्स के लिए हम बता देते हैं कि उनके सिलेबस में दो प्रैक्टिकल हैं और दो थ्योरी पेपर हैं, जिसमें से आज हम उनको थ्योरी पोर्शन में से उनका सेकंड पेपर, जिसमें से फर्स्ट यूनिट में से हम उनका टॉपिक उनको आज बताएंगे। सबसे पहले हम उनका ग्रंथ का जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पंडित अहोबल द्वारा रचित संगीत पारिजात के बारे में उनको यहाँ बताने जा रहे हैं। पंडित भातखंडे जी के अनुसार पंडित अहोबल का समय शाहजहां के सन 1627 से 1658 का माना गया है। अतः पंडित अहोबल और उनका जो संगीत ग्रंथ संगीत पारिजात है वो 1630 का माना गया जा सकता है। ये श्री कृष्ण के पुत्र थे। इनका यह जो ग्रंथ है संगीत पारिजात वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ का फारसी भाषा में भी अनुवाद वासुदेव के पुत्र दीनानाथ ने किया। पंडित भातखंडे जी के अनुसार इनके संबंध में जो उन्होंने लिखा है भातखंडे जी ने कि अहोबल की जो पहुंच है वो लोक लोचन कवि की रचना राग तरंगिणी और दक्षिणी ग्रंथकार सोमनाथ के राग विभोद तक थी। अतः इनके ग्रंथ में दक्षिणी संगीत के साथ उत्तरी यानी दोनों पद्धतियां संगीत में मतलब दोनों संगीत पद्धतियों का भी पर्याप्त मात्रा में विश्लेषण मिलता है। कई दृष्टियों से संगीत पारिजात का महत्व है। ये ही वह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना विधि का सूत्रपात किया। स्वरों के निश्चित स्थान को बताने वाली दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहला एक पाश्चात्य दृष्टि से एक सेकंड में होने वाली कंपन संख्याओं के द्वारा स्वर निश्चित करना और दूसरा वीणा के खुले तार पर षड्ज पंचम भाव से स्वरों की स्थापना करना। पंडित अहोबली ऐसे संगीत के प्रथम विद्वान हैं जिन्होंने वीणा के तार पर सबसे पहले शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना की जो विधि है वो उन्होंने बताई। संगीत के इतिहास में वीणा के तार की लंबाई पर स्वरों का यह स्थापना अपने आप में वास्तव में एक बहुत बड़ा और मौलिक कदम रहा है। यद्यपि 22 श्रुतियों में 7 शुद्ध स्वरों का विभाजन तथा स्थापना उन्होंने महर्षि भरत और पंडित शारंगदेव की तरह परंपरागत तरीके से किया, किंतु स्वरों के शुद्धता के लिए उन्होंने वीणा के तार की लंबाई का जो नियम बताया वह अपने आप में ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान है। संगीत पारिजात संस्कृत भाषा में लिखित ग्रंथ है। विद्वानों के अनुसार इस ग्रंथ में 500 श्लोक हैं और 5 अध्याय हैं। इन अध्यायों का नाम उन्होंने प्रकरण दिया है, यानी कि प्रकरण उन उसकी संज्ञा बता दी है उसको। ग्रंथ का आरंभ
उन्होंने मंगलाचरण से किया है, जिसमें विष्णु भगवान से के पवित्र नाम को स्वरों में गाया जाए तो सामवेद की रचनाओं के समान फलदायक होता है। पंडित अहोबल ने संगीत के दो रूप बताए हैं, मार्गी संगीत और देशी संगीत। मार्गी संगीत मोक्षदायक है। पारिजात के विषय क्रम के अनुसार प्रकरण उन्होंने जो बताए हैं, पांच प्रकरण अपने इसमें पारिजात में बताए हैं, जिसमें से पहला स्वर प्रकरण, दूसरा मूर्छना प्रकरण, तीसरा स्वर विस्तार प्रकरण, चौथा गमक प्रकरण, पांचवा समय प्रकरण। ये पांच जो अध्याय हैं अहोबल ने अपने पारिजात में इनका वर्णन इस तरह से किया है। सबसे पहले हम स्वर प्रकरण की बात करते हैं। इस प्रकरण में श्रुति और स्वरों से संबंधित उसमें उनका वर्णन किया गया है। अहोबल की दृष्टि से स्वर और श्रुति में उसी प्रकार से अंतर है जिस प्रकार से सर्प और उसकी कुंडली में। अहोबल ने श्रुतियों की पांच जातियां बताई हैं, दीप्ता, आयाता, करुणा, मृदु और मध्या। ये पांच जातियां बताई हैं श्रुतियों की। 22 श्रुतियां और उन पर 7 शुद्ध स्वरों का विभाजन तथा स्थापना प्राचीन संगीत परंपरा के अनुसार, अर्थात षड्ज, मध्यम और पंचम की श्रुतियां उन्होंने 4 बताई, रे और धैवत की श्रुति 3-3 तथा गंधार और निषाद की 2-2, यानी 4-3 और 2, इस तरह से श्रुतियों का उन्होंने स्वरों का जो विभाजन है श्रुतियाँ इस तरह से करी है। अहोबल ने 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वरों का उल्लेख किया है। स्वरों की विकृति के लिए उन्होंने तीव्रतर और तीव्रतम तथा पूर्व शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे तीव्र निषाद, तीव्रतर निषाद और तीव्रतम निषाद। इसी तरह से पूर्व रे मतलब पूर्व ऋषभ, पूर्व देवत आदि। 7 शुद्ध स्वरों की जातियां, रंग, रस और उनके देवताओं का विवरण। उन्होंने जैसे सा, म, प, इन स्वरों को ब्राह्मण जाति में रखा, रे ध स्वरों को क्षत्रिय जाति में, और ग नी इनको वैश्य। इस तरह से उन्होंने जो स्वरों की जातियां, इस तरह से उन्होंने उनका वर्णन किया। इसी तरह से इस प्रकरण में वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी, इनको राजा, मंत्री, सेवक और शत्रु के नाम से उसमें उनको बताया, नाम दिया उसका। दूसरा प्रकरण जो है वो ग्राम मूर्छना प्रकरण। इसमें उन्होंने 3 ग्रामों का उल्लेख किया है, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। इन तीनों में जो षड्ज ग्राम है उसको सबसे उत्तम बताया। इसके अलावा मूर्छना की परिभाषा और उसकी व्याख्या भी करी। मूर्छनाओं का नाम उत्तरामंद्रा, रजनी, उत्तरायत्ता आदि दिए। शुद्ध स्वरों की मूर्छना के साथ साथ विकृत स्वरों की मूर्छनाओं का भी उल्लेख किया।
इतना ही नहीं बल्कि संपूर्ण शाणव औणव और इन तीनों जातियों की मूर्छनाओं की उत्पत्ति का उल्लेख किया। मतलब कि संपूर्ण शाणव और औणव इन तीनों जातियों का मूर्छना की उत्पत्ति ये उल्लेख किया है। इसके अलावा अब आता है स्वर प्रस्तार प्रकरण। इसमें खंड मेरु दंड की स्वर रचना की है। चार प्रकार के वर्ण, स्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण। संचारी वर्ण और इन्हीं वर्णों पर आधारित 63 प्रकार के अलंकारों का भी उल्लेख किया है, जिसमें 7 अलंकार तो स्थाई वर्ण के, 12 अलंकार आरोही वर्ण के, 12 अलंकार अवरोही वर्ण के और 25 अलंकार संचारी वर्ण के हैं। इसके अलावा 12 अलंकारों का विवरण भी है। अलंकारों के साथ साथ तालों के नाम का भी उल्लेख है। उन्होंने 4 शुद्ध जातियां मानी हैं। अब आता है गमक प्रकार, गमक प्रकरण। ये चौथा प्रकरण है। इसमें गमक की परिभाषा और उसकी व्याख्या है। जैसे कंपित, स्फुरित, प्रत्याहत, विरिप आदि। इसी में वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना का वर्णन है। मेलों के विषय में उनका मानना है कि शुद्ध और विकृत दोनों प्रकार के स्वरों का मेल होता है। इसी अध्याय में शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी इन 5 गीतियों का भी विवरण है। उन्होंने गीतियों के लक्षण भी बताए हैं। 5वां प्रकरण जो आता है वो समय प्रकरण आता है। इसमें रागों का गायन समय और मौसम के अनुसार रागों के समय का विवरण दिया गया है। जैसे कि मेघमल्लार एक मौसमी राग है जिसे वर्षा काल में गाया जा सकता है, कभी कभी गाया जा सकता है, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा उस समय के प्रचलित सभी रागों के गायन समय का भी वर्णन है। इस तरह से संगीत पारिजात में 5 प्रकरणों का उल्लेख है, जो कि 5ों ही महत्वपूर्ण प्रकरण बताए गए हैं। आशा है आप ग्रंथों का जो वर्णन है वो पढ़ रहे होंगे और साथ में इसका व्हाट्सएप में जो आपको PDF भी बताया गया है वो भी देखेंगे। थैंक यू।